सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, 23 CR, बहुत 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 बड़ी रकम होती है। क्योंकि तो और बड़ी हाइलाइट्स है वो है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड करेंगे। सबसे बड़े हाइलाइट्स में एक है रिंकू सिंह की कहानी, 55 लाख रुपए ऑक्शन में बिके थे और अब 13 करोड़ रुपए रिटेंशन में आए हैं। शॉकिंग है, बुमराह सबसे महंगे बिके हैं नंबर वन रिटेंशन पर। सूर्या, हार्दिक और रोहित, इन तीनों की सैलरी लगभग एक सी रखी गई है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। किसी को ड्रॉप किया है, मैक्सवेल को ड्रॉप किया है, कई बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। विराट कोहली साहब 21 करोड़ पा रहे हैं, पाटीदार 11 करोड़ पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है 2025 के IPL का ऑक्शन मतलब कि स्टार्ट हो गया प्रोसेस, और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी भाई वापस आए हैं और कौन कौन से खिलाड़ी जो है बाहर गए हैं और कौन किस टीम में आए, मैं जो परमानेंट खिलाड़ी हो गए हैं तो उन्हीं के बारे में डिटेल दी गई है। और न्यूज़ बुक चैनल का वीडियो है, शुभांकर मिश्रा को आप लोग जानते ही होंगे, तो वो मतलब उन्हीं की ये वीडियो है और वो इस बारे में सारे फैक्ट्स बता रहे हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि क्या हुआ है अभी, क्यों कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं, कौन से मतलब कि बाहर किए गए हैं और कितना उनका प्राइस किया है, मतलब कितने प्राइस में हो गए हैं। बाकी जो निकाले ऐसे नहीं है, जो अभी रिटेन नहीं किए गए होंगे वो ऑक्शन होगा तो उसमें जो है हो सकता है कोई टीम उन्हें ले लेगी, ऐसा नहीं है कोई कोई रहेगा। तो आपकी सुनने में आ रहा है कि भाई RCB जो है बड़ा स्ट्रांग टीम बनेगी, तो ये भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में कि कौन कौन सी टीम स्ट्रांग है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। IPL 2025 के पहले मेगा ऑक्शन में प्लेयर्स के रिटेंशन की लिस्ट बाहर आ गई। दीपावली के अवसर पर आज इस लिस्ट में हम आपको बताएंगे किसकी किसकी दिवाली जो है वो रोशन हुई है, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मालामाल हुए हैं, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो आज के दिन तो मालामाल नहीं हुए लेकिन ये पक्का है कि जब ऑक्शन होगा उस दिन वो मालामाल हो जाएंगे। कई ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं, कई ऐसे नाम हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज आपको रोमांचित करेगी। लेकिन ये कहानी हम आपको सुनाएं उससे पहले हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के जिस भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं, आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली आप सभी को। अब आते हैं प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। सबसे पहले आपको सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर की लिस्ट हम बताते हैं, रिटेंशन में सबसे महंगा रिटेंशन किसे मिला, यानी कौन वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला है इस IPL रिटेंशन में। वो इंडियन प्लेयर नहीं है, वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, हेनरिक क्लासन। क्लासन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, 23 CR, बहुत 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 बड़ी रकम होती है क्योंकि 23 करोड़ कोई नहीं बिका। पिछली बार 25 करोड़ में गए थे मिचेल स्टार्क, लेकिन 23 करोड़ बिना टीम स्विच किए, दैट्स ग्रेट फॉर क्लासन। नंबर दो पर इंडिया की रन मशीन विराट कोहली साहब हैं, 21 करोड़ रुपए, और निकोलस पूरन हमारे राजा जी के दिलवा वाले, उनको भी 21 करोड़ रुपए मिले। तो ये टॉप थ्री आपके जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के प्लेयर्स की बात करेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन कौन से हुए हैं, तो नंबर वन तो आप जान ही गए विराट कोहली साहब हैं 21 करोड़ रुपए। नंबर दो पर जसप्रीत बुमराह हैं, 18 करोड़ उन्हें मिल रहे हैं। नंबर तीन पर संजू सैमसन साहब हैं, राजस्थान रॉयल्स उन्हें 18 करोड़ रुपए दे रही है और ये बहुत 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 बड़ी रकम है। इस IPL में हैरान करने वाली कहानी क्या है, हैरान करने वाली कहानी ये कि यार रिटेंशन में KL राहुल को रिटेन नहीं किया गया। हालांकि ये खबर हमने आपको पहले ही बता दी थी कि KL राहुल साहब जो हैं उनके रास्ते अलग हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शायद RCB उन्हें लेने में इंटरेस्ट दिखा रही है, RCB या CSK वो कहीं जा सकते हैं, तो इस साल उनकी राहें अलग हो गई हैं। श्रेयस अय्यर, पिछले साल IPL का जब आखिरी दिन था उस स्टोरी में, वो आखिरी स्टोरी जो हमने की थी CSK के KKR की जीत पर, उस पर भी हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि KKR को चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर साहब वो ऑक्शन में जाएं, उनको रिटेन ना किया जाए, और वही हुआ है, KKR ने उन्हें रिटेन नहीं किया, वो भी ऑक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान जो नाम है वो है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत उनका ऑक्शन में रिटेन नहीं होना थोड़ा शॉक करता है। ऋषभ पंत बहुत बड़ा नाम है और क्यों, किस वजह से, किस लिए, ये पता नहीं किसी को। लेकिन जो और बड़ी हाइलाइट्स है वो है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को लीड करेंगे। सबसे बड़े हाइलाइट्स में एक है रिंकू सिंह की कहानी, 55 लाख रुपए ऑक्शन में बिके थे और अब 13 करोड़ रुपए रिटेंशन में आए हैं। रिंकू सिंह की कहानी भी सक्सेस की एक अलग कहानी है। संजू सैमसन टीम को लीड करेंगे। रोहित शर्मा की एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी आई है। रोहित शर्मा ने एक
ग्रेट जेस्चर दिखाया है और ना कप्तानी मांगी है और ना टॉप रिटेंशन मांगा है। आमतौर पर क्या होता है, कई बार खिलाड़ियों को टॉप रिटेंशन दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मुझे टॉप रिटेंशन नहीं चाहिए, नए लड़कों को आगे बढ़ाइए, और चार नंबर पर कहा जा रहा है कि रिटेन किया गया है। तो ये एक कहानी मीडिया में आई है, कितनी सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन यही कहानी निकल कर आई है। अब चार नंबर पर रिटेन किया गया है या चौथे रिटेंशन पर है, जो भी कहानी है, बट 18 करोड़ में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस 16 करोड़ में, मुंबई इंडियंस की फोर्थ रिटेंशन है। पंजाब किंग्स से कई हैरान करने वाली कहानी है। पंजाब किंग ने अर्शदीप सिंह को रिलीज कर दिया, रबाडा को रिलीज कर दिया है। मतलब काफी शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि रबाडा दुनिया में टेस्ट के नंबर वन गेंदबाज है, और अर्शदीप सिंह की जहां तक बात है यार, इंडिया के टॉप विकेट टेकर थे, बुमराह से ज्यादा विकेट T20 क्रिकेट में अर्शदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में लिए थे। ऐसे में उनको हटा देना मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। क्या वजह रही, कैसे रही पता नहीं, लेकिन केवल दो खिलाड़ी रिटेन हुए, एक खिलाड़ी शशांक, एक किसी और को लिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर कहानी है कि ऋषभ पंत जो है वो ऑक्शन में जा रहे हैं, श्रेयस अय्यर साहब ऑक्शन में जा रहे हैं, केएल राहुल जो है वो ऑक्शन में जा रहे हैं, और इन तीन के ऑक्शन में जाने से ये माना जा रहा है कि इन तीन में कोई एक आदमी होगा जो बहुत मोटा पैसा छापेगा, क्योंकि इस बार पर्स काफी खाली है। अगर आप देखेंगे अभी इस रिटेंशन के बाद किस आईपीएल टीम के पास कितना पैसा है, तो सबसे ज्यादा पैसा जो है वो पंजाब के पास है। पंजाब के पास फिलहाल 110 करोड़ रुपए, जो बहुत 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 ज्यादा होते हैं, और इतने पैसे में पंजाब किसी भी बड़े खिलाड़ी पर दांव लगा सकता है। तो अगर आपको ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर या और जो गेंदबाज बड़े बड़े हैं वो आपको पंजाब में जाते दिखाई पड़ जाएं, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि पंजाब के पास पैसा बहुत ज़्यादा फिलहाल है। आरसीबी के पास बहुत पैसा है, 83 करोड़ रुपीस। इसके बाद दिल्ली कैपिटल 73 करोड़, एलएसजी के पास 69 करोड़, गुजरात टाइटन के पास 69 करोड़, सीएसके के पास 55 करोड़ बचे हैं, केकेआर के पास 51 करोड़ बचे हैं, हैदराबाद के पास सबसे कम पैसा है 45 करोड़ का, मुंबई के पास 45 करोड़ है, और राजस्थान रॉयल्स के पास भी कम पैसा बचा है 41 करोड़ का। तो इन्हें बहुत ही सोच समझ कर खिलाड़ियों पर पैसा लगाना पड़ेगा। ये कहानी थी अब तक हाईलाइट्स की। अब आपको बताते हैं डिटेल्ड में क्या कहानी है टीम दर टीम। तो गुरु कहानी है सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने जो भी किया, लेकिन कमाल किया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी समझा लिया, हार्दिक पांड्या को भी मनाए रखा, सूर्य कुमार यादव को भी मना लिया, बुमराह को भी रोक लिया, और जितनी खबरें चल रही थी बीते एक साल में वो सारी खराब कर दी। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी करेंगे, और जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, नंबर वन बुमराह है 18 करोड़ रुपए में, नंबर दो रिटेंशन जो है वो है सूर्य कुमार यादव का 16 करोड़ में, नंबर थ्री रिटेंशन है हार्दिक पांड्या का 16.35 करोड़, फिर रोहित शर्मा 16.30। तो ये चार खिलाड़ियों का जो रिटेंशन है ये उनका शॉकिंग है। बुमराह सबसे महंगे बिके हैं नंबर वन रिटेंशन पर, सूर्या, हार्दिक और रोहित, इन तीनों की सैलरी लगभग एक सी रखी गई है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद तिलक वर्मा को रखा है 8 करोड़ में, बाकी सबको उन्होंने रिलीज कर दिया, यानी कि आपके पास जितने बाकी प्लेयर थे, जिसमें आपके पास पीयूष चावला थे, नमन धीर थे, और वडेरा थे, ये सब आपके फिलहाल अलग हो चुके हैं, और मुंबई को फिर से अपना कोर बनाना पड़ेगा, लेकिन इन 5 खिलाड़ियों को उन्होंने मेन तौर पर रखा है। सीएसके की जहां तक बात है यार, सीएसके ने एमएस धोनी को रखा है, ऋतुराज, जडेजा, शिवम दुबे, पथराना, ये पहले सबको पता भी था और वही हुआ। ऋतुराज और जडेजा सबसे महंगे बिके 18 करोड़ में, पथराना गए 13 करोड़ में, दुबे गए 12 करोड़ में, और धोनी साहब जो है वो 4 करोड़ में रिटेन हुए, तो ये सबको पता था। राजस्थान थोड़ा हैरान कर रही है मुझे, क्योंकि जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल, इन तीनों को रिलीज कर देना मेरी समझ से परे। बटलर, बोल्ट, चहल तीनों बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन क्या उनका मन था पता नहीं, खासतौर पर चहल को लेकर। चहल आईपीएल में टॉप परफॉर्मर थे, पर्पल कैप होल्डर थे, आई डोंट नो क्या सोचकर किया है, बट जो भी सोचा है। 18 करोड़ रुपए संजू सैमसन को दिए हैं, जयसवाल को 18 करोड़ दिए हैं, रियान पराग को 14 करोड़, ध्रुव जुरेल को 14 करोड़, हेटमायर को 11 करोड़, संदीप शर्मा को 4 करोड़। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ध्रुव जुरेल 14 और हेटमायर 11, इनमें वो एडजस्ट कर सकते थे। ऊपर तीन जो है वो तो समझ में आते हैं, लेकिन 20 के दो में मुझे लगता है ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। हालांकि ध्रुव जुरेल और हेटमायर कमाल के प्लेयर है, और हो सकता है इस आईपीएल में वो कमाल करके इसको जस्टिफाई कर दे, लेकिन फिलहाल जितने पैसे हैं, अगर ऑक्शन टेबल पे जाते तो शायद इसे सस्ते में पा सकते थे वो। उन्हें आरसीबी ने भी शॉक किया, मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है कि मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर को आप ड्रॉप कर देते हैं। आकाशदीप को ड्रॉप कर दिया है,
फाफ डुफ्लेसी को ड्रॉप किया है, मैक्सवेल को ड्रॉप किया है, कई बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया। विराट कोहली साहब 21 करोड़ पा रहे हैं, पाटीदार 11 करोड़ पा रहे हैं, यश दयाल साहब जो है वो 5 करोड़ में जा रहे हैं। ये तीन रिटेन किए गए। एसआरएच ने भी अपना कोर बहुत स्ट्रांग रखा है। मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रांग जो कोर है वो एसआरएच का दिख रहा है। एसआरएच ने क्लासन को 23 करोड़ में, कमिंस को 18 करोड़ में, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ में, ट्रेविस हेड को 14 करोड़ में और नीतीश रेड्डी को 6 करोड़ में रखा है। और ये जो पांचों छह प्लेयर इनके जो हैं ये सभी मैच विनर है। रेड्डी मैच विनर, हेड मैच विनर, अभिषेक मैच विनर, कमिंस और क्लासन ये सब मैच विनर प्लेयर है। तो आई थिंक उनका कोर बहुत स्ट्रांग है और ये टीम फिर से आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। लखनऊ की जहां तक बात है, रिलीज कर दिया गया है केएल राहुल को, लेकिन निकोलस पूरन को रखा है, रवि बिश्नोई को रखा है, मयंक यादव को रखा है, मोहसिन खान, आयुष बदोनी को रखा है। ओवरऑल दे ऑल्सो हैव अ गुड टीम। एलएसजी के ओनर ने कहा कि हमने उन खिलाड़ियों को रखा है जो टीम को पहले रखते हैं पर्सनल एस्पिरेशन की जगह पर। आई थिंक ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, केएल राहुल पर इशारा है, बट ठीक है, उनकी अपनी कहानी। केकेआर ने अय्यर को रिलीज कर दिया और ये भी बहुत बड़ी कहानी है। 13 करोड़ में रिंकू सिंह को, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, नारायण 12 करोड़, रसल 12 करोड़, हर्षित राणा 4 करोड़, रमनदीप सिंह 4 करोड़। अगेन शानदार है क्योंकि रिंकू सिंह 13 जस्टिफाइड, वरुण चक्रवर्ती लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इनकी और नरेन की, रखा गया। रसल आप कभी भी किसी दिन में 12 करोड़ खर्च कर सकते हो। हर्षित राणा पे उनकी किस्मत चमक गई क्योंकि हर्षित राणा को बहुत पैसे नहीं देने पड़े इन्हें। रमनदीप सिंह को भी 4 करोड़ में रख लिया। सो ओवरऑल दे हैड अ ग्रेट टाइम, दे हैड अ ग्रेट टाइम एंड उनकी बल्ले बल्ले जो है फिलहाल चल रही है। रिंकू सिंह की सैलरी 55 लाख रुपए थी आईपीएल में लास्ट टाइम और इस बार 13 करोड़ होगी। नंबर वन रिटेंशन है, सो दैट डिफाइंस कितनी बड़ी कहानी उनकी है और ये कितनी शानदार है। आरसीबी हमने बताई दिया आपको कि फाफ को हटा दिया है और बाकी सबको हटाया। पंजाब ने केवल 2 रिटेन किए, एक प्रभ सिमरन सिंह, दूसरा शशांक सिंह। आशुतोष को भी रिटेन नहीं किया है। शशांक को 5.5 करोड़, प्रभ सिमरन को 4 करोड़। 2 रिटेंशन, दैट सेट खत्म। गुजरात टाइटन्स नंबर वन रिटेंशन राशिद खान 18 करोड़, वेल डिजर्व। शुभमन गिल 16.5, वेल डिजर्व। साई सुदर्शन, राहुल तेवटिया और शाहरुख खान। साई सुदर्शन 8.5 करोड़, अगेन अ ग्रेट प्लेयर। राहुल तेवटिया बहुत अंडररेटेड हैं। शाहरुख खान येट टू सी कि वो क्या फटते हैं, कैसे फोड़ते हैं, बट इंटरेस्टिंग चॉइस। सो जीटी भी इस बार जाने वाली है और 3 राइट टू मैच प्लेयर को लेकर जाने वाली है, तो इंटरेस्टिंग होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अक्षर पटेल को 16.5 करोड़, कुलदीप को 13.5 करोड़, ट्रिस्टन स्टब्स को 10 करोड़ और अभिषेक पुराल को 4 करोड़ ये लिया है। एक हैरानी जो मुझे दिल्ली कैपिटल को लेकर हो रही है वो ये है कि फ्रेजर मैकगर को क्यों नहीं लिया। ही ऑल्सो डिजर्व्ड, शायद राइट टू मैच में ले ले, ये हो सकता है कि राइट टू मैच में उनको ले ले, बट अगेन एन इंटरेस्टिंग चॉइस। सो ये हाइलाइट्स ऑफ आईपीएल 2025 थी। आपकी नज़र में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन है? मेरी नज़र में अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कोर जो है वो एक मुझे एमआई का नज़र आता है अगर वो यूनाइट होकर खेले, दूसरा हैदराबाद। हैदराबाद कमाल का मैच उनकी टीम है यार, वो कमाल है। केकेआर, आई थिंक ये तीन का कोर जो है फिलहाल मुझे अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपकी फेवरेट टीम इस बार कौन सी नजर आ रही है? आपको क्या लगता है कौन सी टीम भी आ सकती है? मुझे अभी से ये तीन टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपकी नज़र में कौन सी टीम है? पुट इन कमेंट सेक्शन और लेट अस नो क्या जाने वाला है। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साल बहुत तेज़ी से जो है वो खत्म हो गया और 2025 जो है वो आने वाला है और जो है आईपीएल की टीम्स जो है वो अभी से जो है बनना शुरू हो गई हैं। तो भाई अभी तो वैसे जो एक देख रहे हैं ना, जो इनके प्लेयर्स चुने जा रहे हैं, काफी इस बार जो है ना तगड़ा आईपीएल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आज की वीडियो में ना एक नई चीज जो मेरे सामने आई है वो ये कि जैसे बीच में बताया गया कि पंजाब की जो टीम है वो सबसे ज्यादा मतलब इस टाइम पर उसके पास पैसा है, मतलब 100 करोड़ से भी ज्यादा उसके पास पैसा है। तो मतलब ये 100 करोड़ कैसे रिटेन होता है कि मतलब अब जब मैचेस होते हैं फिर उसके बाद किस तरीके से मतलब जो कोई भी टीम होती है उसके पास उसके वॉलेट में सबसे ज्यादा पैसा रहता है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। हाइलाइट्स दी गई, हाइलाइट्स में इनकी रिटेंशंस 2025 के अकॉर्डिंग इनके प्राइसेस बताए गए, इनके रेट्स बताए गए कि ये कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहे हैं। अच्छा जी, इसमें सीन कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनको ड्रॉप किया गया, कुछ प्लेयर्स को ओकेशन पर रखा गया, कुछ प्लेयर्स को रिटेंशन पे किया गया और बताया गया कि ये अमाउंट्स है, जिसमें अगर सेकंड नंबर पे विराट कोहली आते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे जो फेवरेट प्लेयर इस टाइम विराट कोहली हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारी रील्स मैं खुद भी देखती रहती हूँ। लेकिन ये तो भाई एक अंदाजा ही होता है कि ये टीम स्ट्रांग है और ये करके दिखा देगी। अब देख ले, एक सनराइज हैदराबाद ने इस दफ़ा जो एक आई पी एल खेली है, एक लग नहीं रहा था कि यार कि ये एक फाइनल आ रहे हैं या एक मतलब कि आगे एक फाइनल में जाकर मतलब कि एक ट्रॉफी को उठा नहीं पाएंगे। तो एक
ये एक तुक्के की बात होती है। उनकी टीम यार बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने बहुत इस दफा मारा है, एक 250 250 रन, 283 84 जो भी टीम उनकी पावर आती प्ले थी। में उन्होंने बहुत मारा देखिए, अगर पावर प्ले धोनी में ने खेलेंगे उन्होंने। सीएसके में, पहले की बातें हैं ये, तो शायद मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा इधर उधर कहीं हो सकते हैं, बट वो उधर ही हैं और सब बड़े खुश लग रहे हैं। पांचों उनकी फोटो बड़ी खुश लग रही थी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हार्दिक पांड्या कैप्टन है। सो वो पहली क्या पिछली दफ़ा लास्ट टाइम हुआ था कि वो कैप्टनसी में इतना इतना चली नहीं थी टीम, लेकिन इस दफ़ा अब और सब मिलके दोबारा से ट्राई करते हैं। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। आरसीबी ने पूरी कोशिश करनी है, ये वाला चांस तो नहीं गंवाना उन्होंने, क्योंकि लास्ट टाइम वो उन्होंने 1% को 99% चांस बनाया था। सो इस दफा जो मतलब आरसीबी, मैं तो कह रही हूँ कि आरसीबी जो है ना वो कुछ तो करेगी इस दफा। वो तो आपको पता है कि आप लोगों को, वो तो आप किसी क्योंकि राशिद खान को भी रिटेन कर दिया गया, वो मैंने देखा है उसको 16 करोड़ में। आप मुझे उस टीम को दिल्ली के बताओ, किस किस को रखा है, किस किस को। दिल्ली वाले ने जो नवीन को मेरे ख्याल से रिलीज कर दिया, नवीन उसमें था यानी रिलीज तो किया होगा, पंट है उसको रिलीज किया, बहुत सारी टीमों ऐसे। लेकिन हम अपने प्लेयरों की बात करते हैं क्योंकि आईपीएल में हमारे प्लेयर भी खेलते हैं। वैसे आईपीएल में हमारे सदीकुल्ला इस बार ऑप्शन में है, ऑप्शन में सदीकुल्ला अतल ऑप्शन में आएगा, हमारा एक और जो अपना लिफ्टी जो बैट्समैन है जिसमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, क्या नाम है, इमर्जिंग एशिया कप में, तो ये जुबैद, जुबैद अकबरी। और तीसरे नंबर पे जो है वो बाकी जो हमारे प्लेयर है जिस तरह की पिछले साल खेल रहे थे वो भी शायद आ जाए, क्या कहते हैं नूर अहमद जो कि बहुत कम पैसों पे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था। मैं ये वीडियो देख रहा, मैं नोटिस कर रहा था कई टीमों ने 3-4 प्लेयर ऐसे रिटेन करे, लेकिन अगर बात करूं मुंबई का, भाई अगर ये टीम अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाए जिस दिन तबाही है। और इनके जो 5 प्लेयर है जो इन्होंने रिटेन करे, 5 के 5 प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे हर मैच में, एसआरएच कि मैं कहूंगा धमाकेदार टीम, वो भी विस्फोटक टीम है। और वो विस्फोट तो हमने पिछले साल भी देखे थे किस तरीके से उन्होंने किया था, अभिषेक शर्मा ने नाम बनाया था, नितिन रेड्डी ने नाम बनाया था, पैट कमिंस की कप्तानी बहुत बढ़िया, क्लास एन बहुत गजब खेला, तो ये वाली बात आ जाती है। तो ये थी भाई आईपीएल 2025 की रिटेनिंग हाइलाइट्स, और ये शुभंकर मिश्रा ने सब कुछ बता ही दिया आपको। तो ये मतलब जो स्ट्रॉन्ग टीम बता रहे हैं, तो जो जैसे कोर बोल रहे हैं यानी कि जो मेन प्लेयर होंगे, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद के हैं वो बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, और मुंबई इंडियंस के जो 5 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं रिटेन किया है, तो वो भी भाई किसी से कम नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे को तो नंबर वन पे है एसआरएच लग रही है। रीज़न ये है कि उसमें जो प्लेयर्स उन्होंने चूज़ करे हैं वो बड़े, अगर वो चल गए तो भाई वो उसका एक ही प्लेयर बहुत है। और सेकंड नंबर पे जो है मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस में भी यही चीज़ है, अगर मुंबई इंडियंस में भाई चल गया सूर्य कुमार यादव ही अकेला चल गया या रोहित शर्मा अकेले चल गए, तो भाई सामने वाली टीम के पसीने छूटने पक्के हैं, क्योंकि सामने फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी प्राइस वगैरह आपको बताया यार, ये हर मतलब मोस्टली होता है कि यार हमारे इंडियंस में से किसी को जाना चाहिए टॉप पे, लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है यार यहाँ पे जो करते हैं कैसे करते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है अंदर का। लेकिन यह है कि क्लासन को जो है सबसे टॉप मतलब यानी कि सबसे महंगा प्लेयर अभी तो फिलहाल वही है, बाकी जब ऑक्शन होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने इसको कोई क्रॉस कर पाएगा। और ऑक्शन में आप लोगों को पता है 9-10 करोड़, 5-8 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ मैक्सिमम ऐसे ही जाता है। तो अब देखते हैं विराट सेकेंड नंबर पर, भाई विराट कोहली हैं अपने, विराट कोहली को जो है मेरे ख्याल से 21 करोड़ में मतलब रिटेन किया है आरसीबी ने। बाकी इस बार मैक्सवेल वगैरह को मतलब बाहर कर दिया है, अब वो शायद ऑक्शन में ही किसी और टीम में नज़र आएंगे, या हो सकता है इन्होंने प्लान किया हो कि आरसीबी या सबने की यहाँ पैसे ज़्यादा देने से अच्छा है ऑक्शन में देखेंगे, अगर जो ज़्यादा पैसा नहीं देगा तो हम दे के ले लेंगे। तो ये चीज़ें होंगी, प्लानिंग होती है इसके पीछे, मतलब एक टीम होती है वर्क करती है और इनके बहुत सारे बंदे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोच या और भी क्या किस टाइप में होते हैं यार, ऑक्शन वगैरह के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा भाई तो कमेंट करके बताना, और बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।